नमस्कार, दिन 11:00 अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुछु। मो शक्ति बुलेटिन को आकु नवा पूर्व प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस। श्रीमंदिर खोल ना नहीं निष्पत्ति उपरे सारा राज्यवासी नजर। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों अध्यक्षतार बसला भर्चुआल बैठक। सेपटे आज खोलला विरजा और भट्टारिका मंदिर। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ପଦକର ଆଶା। ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, କୁସ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ରବି ଦହିଆ ଓ ଦୀପକ ପୁନିଆ। ଆଜି ଆକ୍ସନରେ ଆସିବେ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଓ ବକ୍ସର ଲଭ୍ଲିନା। कोरोना मृत्युरे लागुनी ब्रेक। राज्य में पुणि 66 जीवन नेला वायरस। खोर्धार सर्वाधिक 18 मृत। सेपटे 24 घंटे 1315 पॉजिटिव चिन्हट। निजुक्ति दुर्नीतिर खोलताड़। विरंची साहू 4 दिनिया रिमांड। आज प्रथम दिन संपत्ति ठूल सह ओएसएससी निजुक्ति लिंक नहीं तथ्य आदाय कर विजिलेंस। पदारे पड़ा राज्य सरकार का आवास। सत राज्य में आवास योजन अंतर्भुक्त 85% अयोग्य हिताधिकारी। बीजेपी सांसदों प्रश्न लोकसभा उत्तर रखिले विभाग राष्ट्रमंत्री। कहले अनियमितता अभोग आसते केन्द्र पक्ष कार्यानुषान। एसएफ सौम्य रंजन मृत्यु मामलें विद्याभारती पुणि जरा चाप पर कप्तिपदार पहुंचला गजपति पुलिस। विद्या को गिरफ्त करी पॉलीग्राफ टेस्ट में सौम्य परिवार लोकों दावी। एवं कोरोना पर डेंगू को नहीं उद्वेगजनक स्थिति। राजधानी में डेंगू रोगी संख्या 714 को वृद्धि। डेंगू मुकाबला कैपिटल हॉस्पिटल प्रस्तुत बोली कहले निर्देशक। अंपटे घर घर बोली बीएमसी करुछि सचेतनता। श्रीमंदिर खोल कि नहीं से निष्पत्ति उपरे सारा राज्यवासी नजर रही। आज मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार के अध्यक्षतार बसुची 36 निजोग बैठक जो थे कि ए संपर्क में निष्पत्ति निजी। पुरी जिलापा पुरी एसपी श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी समेत सेवायत मैंने जोगदेवे। कोरोना द्वितीय लहर जो गत एप्रिल 24 तारीख रु भक्त श्रीमंदिर प्रवेश प्रतबंधक लगी। तेज कौन सब कटक रही दर्शन रहिबो एवं दर्शन नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कौन गाइडलाइन जारी करिबो ताऊपर समस्त नजर रही। मंदिर खोलिले सेवायत मान आरंभ कर छोट व्यवसायी खासकर होटेल शिल्प पुणि थे चलचंचल हो समस्त आशा रही। ए संपर्क अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक, 36 निजोग बैठक आरंभ होला कि देखो शक्ति साई वर्तमान जहाँ ताजा सूचना आसी पहुँची 36 निजोग बैठक टी स्थगित रखा जाइए। अपराह्न 5टा बेले 36 निजोगर यही भर्चुआल बैठक अनुष्ठित हम श्रीमंदिर खोलिबा नहीं कि जहाँ किसी समय पूर्व आम पाखे सूचना आसी पहुँची श्रीमंदिर खोलिबा को लेकिन पूर्वाह्न 11टा बेले जो बैठक टी भर्चुआल बैठक से बैठक टी वर्तमान स्थगित रहा। से बैठक टी 5टा पर अनुष्ठित हम निश्चित भाव में आज कितु निहत भाव में 36 निजोगर गुरुत्वपूर्ण भर्चुआल बैठक अनुष्ठित हम श्रीमंदिर खोलिबा को लेकिन कारण आप जानते गतकाली ठारू पुरी जिलार समस्त छोट बड़ मंदिर खोली जाइए। एवं आज जो श्रीमंदिर खोलिबा नहीं बैठक रही निश्चित भाव में बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहन करछि कारण आप जानते एप्रिल मासरु श्रीमंदिर वर्तमान सुधा बंद रही कोविड द्वितीय लहर पर। तो आज जो बैठक रही बैठक में किशन कुमार श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूरी जिलापा पूरी एसपी पूरी सीडीएमओ एवं 36 निजोगर समस्त सेवायत प्रतिनिधि एवं कोविड समन्वय कमिटर जो सेवायत मान रही से बैठक में उपस्थित रहेंगे। विशेषकर आप जानते आज बैठक टी समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त हूँ श्रद्धालु हूँ 4.5 कोटी ओडिया समस्त नजर रही बैठक में कौन निष्कर्ष बाहर
मंदिर केबे खोलिब कोउ तारीख रे खोलिब ताहा त आजि बैठक पर स्पष्ट हब किंतु समस्त नजर रहिछि आजि बैठक उपर कारण आपण जानिछन्ति पूर्वरु जे एसओपी लागू करा जायथिला भक्त श्रद्धालुङ्क पई राज्य बाहरु जो भक्त श्रद्धालु माने आछन्ति आसुतिले सेमाने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखौथिले परवर्ती पर्याय रे पुरी शहरवासीङ्क वार्ड वारी दर्शन करिवार सुजोग दिया जाउथिला एवं ता परवर्ती समय रे समस्त भक्त श्रद्धालु मानको पई श्रीमंदिर उन्मुक्त रहिथिला त निश्चित भाबरे आजि मध्य सेई समान स्थिति उपजी पारे समान बैठक रे नुवा एसओपी आसी पारे कारण सेवायत मैंने वर्तमान दुईट लेखाएं डोज टीका नहीं रथयात्रा पर्यटन चारि गोटी लेखाएं चारि चारि थर कोविड टेस्ट कर तो जदि राज्य बाहर संक्रमित आसवे तेज निश्चित भाव में सेवायत मैंने संक्रमण हे और सेवायत मैंने जदि संक्रमण हे निश्चित भाव में महाप्रभु नीतिकांति घोर प्रभाव पड़े तो निहत भाव में श्रीमंदिर खोलिया को नहीं आज नुआ एसओपी आसपे कि बड़ कथा हूँ शक्तिशाली आप जानते श्रीमंदिर भितर भक्त श्रद्धालु जो कटक रही है भक्त श्रद्धालु मैंने जदि श्रीमंदिर खोल पान छेप पकई पारे ना सिंहद्वार सिंहद्वार प्रवेश करेंगे तीन द्वार दे प्रस्थान करेंगे पंचषठी वर्ष ऊर्ध वयस्क व्यक्ति दस वर्ष कम पिला गर्भवती महिला कहीं भी श्रीमंदिर भितर को जापारे ना आनंद बजार बस महाप्रसाद खाई ना और पार्श्व देवादेवी मूर्ति को स्पर्श करें ना और श्रीमंदिर भितर दीप जापारे ना यही सामान कटक बोध हुए बलबत्तर कि पूर्व मुझ सीधा सब दृश्य देखा चाहिए जेहेतु आज बैठक की अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहन करती आज बैठक में यह सविशेष निष्पत्ति श्रीमंदिर केत तारिख में खोल कौन नुआ एसओपी आसो से परिप्रेक्षी आप देखुं जो सामियाना रही सामियाना प्रस्तुति आरंभ हो गला सिंहद्वार थाना ठार् आम कहीपर श्रीमंदिर श्रीमंदिर सिंहद्वार पर्यटन जो सामियाना रही है यही सामियाना दे भक्त श्रद्धालु मैंने प्रवेश करेंगे तो निश्चित भाव में कौन सब नुआ एसओपी आसपर एवं समस्त नजर रही कि समस्त अकुंठ सहयोग समर्थन रही है रथयात्रा बिना भक्त रहा कि सेवायतों ठार आरंभ कर भक्त श्रद्धालु समस्त नवेदन थी अनुरोध थी दाबी थी यथाशीघ्र श्रीमंदिर खोलिया को कारण कोरोना महामारी समय भक्त भगवान प्राचीरी सृष्टि होता है यही कोरोना महामारी समय जदि श्रीमंदिर खोल जाए महाप्रभु को दर्शन कर समस्त आध्यात्मिक चेतना लाभ करेंगे और अंपटे आम कहीपर जो छोट बड़ दुकान अच्छी जो होटेल शिल्प अच्छे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान अच्छी समस्ते श्रीमंदिर सह तो अंगांगी सह जड़ित तो श्रीमंदिर जब खोल निश्चित भाव में व्यवसाय आहरी त्वरान्वित हो आहरी चलचंचल हो उठे तो निश्चित भाव में आज बैठक को ही शक्तिशाली अपेक्षा करूँ जहाँ गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी पहुंची वर्तमान सुधा पूर्वाह्न एगारटार जो बैठक अनुषित होता ता स्थगित रही अपराह्न पांचटा बेले छत्तीसानी जगह बैठक आरंभ हम ए बैठक शेष में श्रीमंदिर खोल नहीं कौन नूतन एसओपी आसवा ता बैठक पर ही स्पष्ट हम शक्तिशाही धन्यवाद आलोक सूचना आलोक आशुतोष हम प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे कि जो बैठक छत्तीसा निजोग हबार पूर्वाह्न एगार घटिका स्थगित रही अपराह्न पांचटार से बैठक अनुषित हो कि निष्पत्ति आज ही आसब जे श्रीमंदिर भक्त मान खोल कि नहीं जदि खोलू तेल कौन सब कटक रो नियम आधार भक्त मान प्रवेश अनुमति मिल से सबकि आज छत्तीसा निजोग बैठक आलोचना पर कौन निष्पत्ति सामना को आसीज किंतु वर्तमान पर बैठक जो हबार एगारटे स्थगित रखा जाए अपराह पांचटा जाए परवर्त खबर उपर नजर पकेबा कोविड कटकणा मध्य खोलला भट्टारिका मंदिर कटक जिला बड़म्बा गड़र अधिष्ठात्री देवी माँ भट्टारिका ठाकुराणी मंदिर खोलिया पर श्रद्धालु मानू दर्शन देती माँ भोर चारिटा माँ पहड़ा खोल जाए माजणा नीति कर बल्लभ भोग कर सर्वसाधारण निम्ते पहड़ खोल जाता सेपरी कोरोना कटकणा मध्य जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा मंदिर खोल जाए आज ठारू कटकणा मानि भक्त मैंने माँ का दर्शन करेंगे जाजपुर जिलापा चक्रवर्ती सिंह राठौर सूचना देखते कोरोन द्वितीय लहर जो मंदिर बंद थी बेले भक्त मैंने माँ का दर्शन वंचित होते तेज अगस्ट गाइडलाइन में मंदिर खोल को अनुमति मिलता बेले आज ठारू भक्त मैंने माँ का दर्शन कर आशीष लाभ करें राज्य कमुची पॉजिटिव का संख्या किंतु मृत्यु संख्यार लगुना ब्रेक पुणी 66 जीवन नहीं महामारी यह मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6168 पहुंची सेपटे राज्य 24 घंटा 1315 पॉजिटिव चिन्हट होती संगरोध 762 स्थानीय अंचल 553 रोगी चिन्हट होती राज्य में संक्रमित संख्या 982181 को वृद्धि पाई 13872 जन रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा।
ओएसएससी निजुक्ति दुर्नीतिर खोलताड़ विरंची साहू को चारिदिनिया रिमांड आज प्रथम दिन विरंची बेआईन संपत्ति ठूल सहित ओएसएससी निजुक्ति दुर्नीतिर लिंक नहीं विजिलेंस खोलताड़ करुछि। चारिदिनिया रिमांड काल में विजिलेंस विरंची ठारु बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल नहीं आशा रखी। पचराउचरा पर किसी स्पष्ट चित्र सामना को आसीपे चर्चा हो ओएसएससी विभाग में होता लांच कारबार एवं दुर्नीति विरोध में राज्य बीजेपी युवमोर्चार विक्षोभ। राज्य बीजेपी युवमोर्चा सभापति राशिष आचार्य और घुमसर जिला सभापति गोकुलानंद मल्लिक आह्वान क्रमे पोलसरा ब्लॉक छक निकट में विक्षोभ प्रदर्शन कर दल। एत सहित मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कुश पुतलिका दाह करते और सीबीआई तदंत करने बीजेपी दावी कर परलाखेमुंडी एसएफ सौम्य रंजन मृत्यु मामलें पत्नी विद्याभारती पुणि थे जेरा कर गजपति पुलिस चारिड़ चाप पर गजपति पुलिस एक टीम कप्तिपद जाई विद्याभारती द्वितीय थर जेरा कर देखा मिली। अनेपटे घटन डीएफओ को सुरक्षा देवाक राज्यर पावरफुल कैबिनेट तथा जंगल मंत्री विक्रम केशरी आरुख चाप पकाउथवा अभियोग होईछि। मंत्री चापर गजपति पुलिस तदंत को दिगहरा करथवा सम्यरंजन को परिवार लोके अभियोग करिसेंति। न्यायपाई हाईकोर्ट को जीवा सह परिवार लोके सीबीआई तदंत दाबी करिसेंति एवं विद्याभारती को गिरफ्त करी पॉलीग्राफ टेस्ट करिया पई दाबी करिसेंति। सेपटे एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें न्याय न मिले आत्माहुति देवाक चेतावनी देखते सौम्य माँ परिवार को न्याय न मिले मुख्यमंत्री बासभवन सम्मुख में आत्महत्या करेंगे। गणमाध्यम आगे ये बयान रखिंट सौम्यरंजन माँ तुलसी महापात्र। एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला को 23 दिन बीती जाए किंतु एवं परिवार लोक न्याय पाइबार वंचित अच्छा। आज सौम्यरंजन मामूं पुओ भाई प्रियव्रत पंडा मुख्यमंत्री को भेट न्याय करने को दावी करने भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी। सबुदिन आम तारी चिंता तारी कथा आमर एत दुख कष्ट पाठ पढ़ मनीष कर गोटे सरकारी कर्मचारी होता सरकार लोक कहीं भी आसिक कथा बुझे कि आम कहीं सांत्वना दे सबुदिन यह आमर दुखर दिन जा मत न्याय मिललानी सरकार चाकरी करथिला माने जो तांकरी ऊपर के चाप पड़ सरकारी चाप पड़ी बोध डीएफ से मो छुआ को न्याय मिलूनी। या पर कांदी कांदी मरिया अपेक्षा नवीन निवास आत्महत्या करमर कि उपाय ना। अधिक अपडेट सहित फोनलाइन जोड़ी होती सिमलिया प्रतिनिधि मनोज प्रधान। मनोज जो भाव में सौम्यरंजन मामू पुओ भाई आज आसुँच भुवनेश्वर मुख्यमंत्री को भेटी दाबी जड़ाइबे न्यायपाई गुहारी करेंगे तो कौन से केते बड़े पहुंचे एवं मुख्यमंत्री को सीधा साल भेटे ना कौन तक योजना रही। देखो शक्तिशाली एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला को 23 दिन बीतीगला कितु पर लोक एपर्त न्याय पाई पर लोके पूर्व एने राज्य समस्त मंत्री को लिखित न्याय दाबी करते किसी न्याय मिल पारे कि आज जहाँ सौम्यरंजन मामूं पु भाई जी अच्छा प्रियव्रत पंडा सी भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर को भेटा जाइए और जहां बुझुलु जदि मंत्री को भेटा को दिखती तो भेटे ना से ग्रीभांस अभोग आत्माहुति चेतावनी देखते कहीं जिते बड़े तदंत चली आत्माहुति कहीं चेतावनी देवा पड़ा
ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ସମୀରଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମାମଲା ଯେତେ ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଡିଏଫ୍ଓ ଯେହେତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସତୀଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 23 ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାମ ପୁଅ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବେ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ କଟକ, DCP ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେବୁ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର କେସ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ କରିବେ। ତା ସହିତ ଚୌଧୁରୀ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସେମିତି ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେନ୍ଲି ଫୋନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଅର୍ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼ କରିକି ଫୁଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। 21 ତାରିଖକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 379। ଏମାନେ ଜଣେ ମହିଳାର ଫୋନ୍କୁ ମାନେ ଛିଡ଼ାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଇଏ ଉପରେ ବି ଆମର ଟିମ୍ କାମ କରୁଥିଲା ଆର୍ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଛତିଆ ଏରିଆର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମହାଙ୍ଗାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ 20 ଫୋନ୍, 20ଟି ଫୋନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଆଧା, ଆଉର୍ 2ଟା ଚେନ୍, କାନଫୁଲ, ମୁଦି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମର କଟକ ଆଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସରେ ଏମାନେ ବୁଲିକି ଫୋନ୍ ଚୋରି ପ୍ରାୟ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଏମାନେ ଚେନ୍ ବି ବହୁତ ଛଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଆମର 14 ପୋଲିସ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି। ଏ 2ଟା କେସ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଉପରେ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ବାଇକ୍ ଚୋରି ହଉ ୟା ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ୟା ହାଉସ୍ ବର୍ଗଲରି ଏସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଡ୍ରଗିଙ୍ଗ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗିଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଡରପୁର ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ଆର୍ ଆମର ଅଭିଯାନ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବି ଜାରି ରହିବ। ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଅର୍ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ଆସିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ବି ଚେନ୍ ରହିବ ୟା ମାନେ ଦେଖିବେ କି ଏ ଲୋକ ଭଲନରେବଲ୍ ଅଛି। ତ କଟକ DCP ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକରେ ଛିନ୍ତାଇ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଛିନ୍ତାଇ କରୁଥିଲେ ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସୁନା ଚେନ୍ ଆଦି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ DCP। ଆଗକୁ ବି ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର।
श्रमिकों को काम जोगाय देवाई मनरेगा योजना रही श्रमिक मैंने काम कर सारे मिलूनी पारिश्रमिक जहाँफल श्रमिक मैंने आज ब्लॉक सम्मुखें होहल्ला देखा मिली मनरेगा दुर्नीतिर अभोग आसी बांकी डंपड़ा ब्लॉक ढंसर गाँव श्रमिक मैंने मनरेगा योजन काम कर गत जून मसर्यंत बकेया मजूरी पाइन अभोग आनी शताधिक जब कार्डधारी श्रमिक डंपड़ा ब्लॉक कार्यालय होहल्ला कर जातीय ग्रामीण निश्चिंत कर्मनिजुक्ति योजना कार्य आम जून मसरू कम कलु एगार दिन मजूरी आज पर्यंत पाई सहित गवर्नमेंट डिक्लेयर कले बोनस 50 टंका लेखे एप्रिल मस कम करते बोनस 50 टंका लेखे मिले जो मर स्टेट बैंक आकाउंट से 50 टंका लेखे बोनस क्रेडिट हो जाए आम पीएनबी आकाउंट आम क्रेडिट है जदि का यह बाबद नहीं आम ग्राम साथी कि आम जीएर एसोसिए कहूँ से कहते आम लिखिक देदेचु गवर्नमेंट आकाउंट जो पैसा हम से तुम पार एमती 5 दिन गला 10 दिन जाए 15 दिन जाए 2 मस अतिक्रांत हो गलानी आम जो पचार कहीं पैसा आसनी सी आम कहते आम लिखिक देचु गवर्नमेंट आकाउंट पैसा ना गवर्नमेंट आकाउंट जो पैसा हम तुम आकाउंट क्रेडिट आम जब कैसे दिन लगे आम पैसा पाया मजूरी पाया के लगे सी कौन जमी 2 मस लगे मस लगे 3 मस लगे 4 मस भी लगे आजा आम दिन मजूरिया लोक खटिले खाऊ जदि आम 11 दिन काम कर 6 मस पर पैसा पाइबू तेल आम पर भरण पोषण करूँ कमी आज्ञा ओलंपिक्स भारत बढ़ला पदक आशा कुस्ती सेमिफाइनाल रवि दहिया और दीपक पुनिया 57 केजी रवि और 86 केजी वर्ग में दीपक पुनिया देखाई दम रवि कुमार 14-4 एवं शेष मुहूर्त में दीपक 6-3 मैच को जीति नहीं एथलेटिक्स भल खबर आसी नीरज चोपड़ा जैवलीन थ्रो रे फाइनाल प्रवेश करिसेंती क्वालिफिकेशन राउंड रे 86.65 मीटर दूर जैवलीन थ्रो कर फाइनाल प्रवेश करने भारत पदक आशा को बढ़ाई आज महिला हॉकी टीम पाखे इतिहास रचार सुजोग रही सेमिफाइनाल अर्जेंटीना सह मुकाबला कर महिला हॉकी दल सेमिफाइनाल हारे बक्स से फाइनाल रे हारी जाते बक्सर लवलीना ब्रोंज पदक संतुष्ट रहिबाक पड़ी परवर्ती खबर को जी कोरोना पर राजधानी रे डेंगू को नहीं उपजिला उद्वेगजनक स्थिति दिनकू दिन डेंगू रोगी संख्या बढ़ुता बेले मंगलवार राजधानी में आउ 50 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती 50 आक्रांत को नहीं स्मार्ट सिटी मोट आक्रांत संख्या 714 को वृद्धि पाई हुहु हो डेंगू रोगी संख्या वृद्धि पाता बेले राजधानीवासी एक प्रकार भयर वातावरण देखा मिली प्रतिदिन प्राय 10-15 जन रोगी एडमिशन होता बेले एवं सुधा 55 रु अधिक रोगी कैपिटल हॉस्पिटल चिकित्सित होती डेंगू मुकाबला कैपिटल हॉस्पिटल पर्याप्त सज्जा रही हॉस्पिटल निर्देशक कहते अनेपटे डेंगू मुकाबला नहीं बीएमसी निजर सचेतनता अभियान आरंभ कर राजधानी घर घर बुली सामाजिक कर्मी मैंने सचेतनता कराता बीएमसी पक्षर सूचना दी जा समरपुर बुर्ला भीमसार मेडिकल देखाई रक्त संकट रक्त भंडार रही मात्र 3 यूनिट रक्त प्रतिदिन 50-60 यूनिट रक्त आवश्यक थिया बेले रक्त भंडार रे रक्त अभाव कर्तृपक्ष चिंता बढ़ाई बुर्ला भीमसार रही पश्चिम ओडिशार सबुठ बड़ रक्त भंडार बाहर हो रक्तदान शिविर रु रक्त संग्रह कर एक भ्राम्यमाण भ्यान रही रक्त अभाव जो एवं रोगी और संपर्क मैंने चिंतार पड़ जा दुर्भाग्यजनक घटना ये ब्लड कैंप गुड़ाक हो प्रत्येक दिन बुर्ला मेडिकल 70 यूनिट ब्लड दरकार एक्सचेंज आउ बिना एक्सचेंज थैलासेमिया पेसेंट प्राय 40 थैलासेमिया पेसेंट को फ्री दिया तो रक्त आसब कौटू से सरकार जनसचेतनता सृष्टि करवा जरूरी जो छोट छोट क्लब गुड़ाक जो रक्तदान संस्था गुड़ाक भी अच्छी से आर्थिक प्रोत्साहन देवा जरूरी जहाँद्वारा कि रक्त अभाव रही ना देखो तो बुर्ला भीमसार को प्रतिदिन सरकारी हिसाब से 3000 ऊर्ध रोगी आसती समग्र पश्चिम ओडिशा बुर्ला भीमसार उपर निर्भर कै अन्न कौन सी मैटर हो न हो रक्त भंडार रक्त अभाव यह एक दुर्भाग्य दुर्भाग्यजनक विषय किंतु राज्य सरकार वर्तमान कौन सी एक पदक्षेप नवा कथा राज्य सरकार उत्साहित करवा कथा राज्य सरकार रक्त अभाव किपरि दूर हे से पदक्षेप नवार कथा किसी अनुष्ठान को पुरस्कृत करने कथा कि विभिन्न कार्यक्रम मध्यम रक्त किभरी
संग्रह हम ता प्रति ध्यान देवा कथा आज बुर्ला ब्लड बैंक सकाल 22 यूनिट थी एबे सेटा कमिकी बी रुटा यूनिट अच्छी आ बी रोटे यूनिट अच्छी आम सब अर्गनाइजर मान को रिक्वेस्ट कर कैंप करूँ आउ कैंप ना आज ये मान सब इमरजेन्सी पेसेंट रेफरल पेसेंट सब बुर्ला भीमसार को आसत इमरजेन्सी पेसेंट आज आसिकी ये एडमिट होती आम पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करें आसिक निज आड़ भलेंटरी आसिक ब्लड बैंक ब्लड दान कले मैंने किसी रोगी बंचीजे आज्ञा आम समस्त रिक्वेस्ट कर सब अर्गनाइजर मान को रिक्वेस्ट करमकोग कर समय होती बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।